गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पूर्व मैं आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सप्ताह भर के बाद दीपावली का त्यौहार आएगा, जो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हंसी खुशी से त्यौहार को मनाना, सावधानी रखना। आज की इस वीडियो में अपन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ये भी एल्कीन ही प्रस्तुत करती हैं, और किसकी प्रेजेंस में करती है? परोक्साइड की प्रेजेंस में। जैसे कि सपोज ये कोई एक एल्कीन है, CH3CH2 प्रोपीन। अगर इस प्रोपीन की जो रिएक्शन है वो जैसे कि सपोज कर दे अपन HBr से इन परोक्साइड, जब परोक्साइड की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन की जाती है तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट उसी प्रकार से दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा ये इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाएगा। एक जो प्रोडक्ट है 1-chloro-propane है, दूसरा जो प्रोडक्ट है 2-chloro-propane। यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है, ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सेस अमाउंट में बनता है, मतलब मेन प्रोडक्ट होता है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो लेस अमाउंट में बनता है, बहुत कम मात्रा में ये प्रोडक्ट बनता है। जबकि वन प्रोडक्ट कौन सा बनता है? ये 1-chloro-propane बनता है। तो यहां पर ये जो मैकेनिज्म है वो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू ये अभिक्रिया होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म जो है इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन मैकेनिज्म अगर लिखे तो ये HBr जो है ये सबसे पहले किससे क्रिया करेगा? किसी परोक्साइड से क्रिया करेगा, और परोक्साइड से क्रिया करके परोक्साइड से क्रिया करके ये किसका निर्माण कर लेता है? Br फ्री रेडिकल का, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये इस प्रकार से पहले फ्री रेडिकल बनता है। उसके पश्चात ये जो फ्री रेडिकल है प्लस Br फ्री रेडिकल कहां पर जुड़ जाता है? इस एल्कीन से जुड़ जाता है। अगर Br फ्री रेडिकल यहां पे जुड़ेगा तो इस प्रकार से जुड़ेगा, ये CH3CH Br CH2, और यहां पर क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल। अगर ये नीचे वाले से जुड़ता है तो क्या जुड़ेगा? CH CH2, और यहां Br आ जाएगा, और अब की बार फ्री रेडिकल कहां आएगा? यहां पर। अब देखो ये जो फ्री रेडिकल है ये कौन सा है? 1 degree फ्री रेडिकल है, और ये जो फ्री रेडिकल है ये 2 degree फ्री रेडिकल है। अब अधिक स्टेबल कौन सा होता है? 2 degree फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है, और ये जो फ्री रेडिकल है वो लेस स्टेबल होता है। तो इस प्रकार से पहले स्टेप के अंदर इसका निर्माण हो गया, इस फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यही जो यौगिक है ये पुन
निम्न किससे क्रिया कर लेते हैं, इस HBr के दूसरे मॉलिक्यूल से क्रिया करते हैं, ये HBr के दूसरे मॉलिक्यूल से क्रिया करते हैं, क्या बन जाता है, Br फ्री रेडिकल बन जाएगा और H फ्री रेडिकल बन जाएगा। H फ्री रेडिकल किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, यहां पर किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा और बनेगा CH3 और Br। यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 और Br। इस प्रकार से ये तो प्रोडक्ट कौन सा है, 2-ब्रोमो, यहां Br से क्रिया कराइए, यहां Br कर लेना, अपन ने HBr से क्रिया कराइए तो क्या बनेगा, ब्रोमो बनेगा। अगर HCl से कराओगे तो क्या बनेगा, क्लोरो बनेगा और HBr से कराओगे तो ब्रोमो बनेगा। तो इस प्रकार से ये बन गया 2-ब्रोमो प्रोपेन और ये बन गया 1-ब्रोमो प्रोपेन। अब देखो यहां पे अपन ने देखा था कि ये 2° फ्री रेडिकल है, ये 1° फ्री रेडिकल है और 2° फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1° फ्री रेडिकल, इसलिए इस 2° के द्वारा बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमेशा मेन प्रोडक्ट होगा और एक्सेस अमाउंट के अंदर बनेगा। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कैसा बनता है, एक्सेस अमाउंट में बनता है, जबकि ये जो 1° है ये लेस स्टेबल होने की वजह से ये प्रोडक्ट भी बहुत कम मात्रा में बनेगा, लेस अमाउंट के अंदर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के अंदर जो 1° वाला ये है 1-ब्रोमो-प्रोपेन, ये जो प्रोडक्ट है वो मुख्य प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अब ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया के अंदर जो रूल फॉलो होता है उस रूल को क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम किसी भी अगर हेलोजन एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तब हाइड्रोजन एटम वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अब देखो इन दोनों में डबल बॉन्ड किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है और कहां पर हाइड्रोजन कम है, इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहां पर कम है, इस वाले पर कम है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, इस कम वाले से जुड़ेगा और ये Br कहां जुड़ेगा, अधिक वाले से जुड़ेगा। तब देखो यहां पर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है कौन सी मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में बनता है, एक्सेस अमाउंट में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नियम कौन सा होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ, और अगर यही परऑक्साइड नहीं लोगे तो फिर कौन सा लग रहा था, जो इससे पूर्व की अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा था, मार्कोनिकॉफ रूल। थैंक यू।